हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक। गाइज, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है, एकदम रिसेंट में आया हुआ, सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो साथ ही आपको एक चीज़ बता दूँ कि पूरी तरह से यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करेक्शन पोर्टल खुल चुका है। बीते हुए कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शाम को 4 बजे तक आपका पूरा हार्डली है कि स्कॉलरशिप का स्टेटस शो आउट होना शुरू हो जाएगा और साथ ही आपका ऑनलाइन करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा। फ्रेंड्स, डिक्टो वही हुआ। कई छात्र बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि कोई ऑफिशियल अपडेट आपके पास है या नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं का अंदाज लग जाता है, मतलब गेसिंग हो जाती है कि कितने बजे से क्या कुछ होने वाला है, किस दिन होने वाला है। मैं पिछले एक हफ्ते से अपने सारे वीडियोज़ में बता रहा था कि 4 तारीख को आपका स्कॉलरशिप का ऑनलाइन जो करेक्शन डेट वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और साथ ही मैक्सिमम बच्चों का स्कॉलरशिप भी स्टेटस शो आउट होना शुरू होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कल कई सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि उनका स्कॉलरशिप का स्टेटस शो हो रहा है। मैंने खुद कई बच्चों का चेक किया है, उनका स्कॉलरशिप का स्टेटस शो हो रहा है। कई बच्चों का नहीं शो हो रहा है, तो उनका आज शाम तक एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि उनका भी स्कॉलरशिप का स्टेटस शो आउट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, स्कॉलरशिप ऑनलाइन करेक्शन पोर्टल में आपको क्या काम करना है, क्या आखिरी डेट है, कैसे आपको करना है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती है अदरवाइज, और साथ ही आपको अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखना है, तो सारी चीज़ों को वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आप नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा जब भी आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे टाइप करना है सरकारी जॉब फाइंड और उसके बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस टाइम आपको सरकारी जॉब फाइंड जो पहला वाला है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल कर आया जिसमें हर एक चीज़ों की लेटेस्ट अपडेट है। आप देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 से रिलेटेड भी अपडेट है, साथ ही यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म से रिलेटेड भी अपडेट है। तो गाइज यार, जिन छात्रों को करेक्शन फॉर्म करना है और जिन छात्रों को अपना स्टेटस देखना है, सारी चीज़ों को बता दूं आपको कि जिन छात्रों को अपना करेक्शन फॉर्म देखना है वो साइड वाले पे क्लिक कर देंगे और जिनको अपना स्टेटस देखना है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे वो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि करेक्शन फॉर्म पर कैसे क्लिक करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे। तो गाइज यार, कई छात्र बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है आपको झूठी खबर फैलाने से, कोई अफवाह उड़ाएं से कोई हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं आपके ही हित में काम करते हैं, आपके लिए ही वर्क करते हैं। अगर कोई भी अपडेट रहती है तो उस चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, लेकिन आप लोग हैं कि उसका उस टाइम को अपना टाइम प्रीसेस टाइम वीडियो पे देते हैं, साथ ही फिर आपको उससे आप संतुष्ट भी नहीं होते। चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी छात्रों के लिए खुल चुका है, बात प्री मैट्रिक के हो या फिर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की। यहाँ से आप फ्रेश एयर यूनिवा किसी भी कैटेगरी पे, जिस कैटेगरी के आप हैं उस पर क्लिक करके आप सिंपली देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा, जहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिलअप करना है। जैसे कि आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना है, डिक्टो वही प्रोसेस है। गाइज मैं आपको बता दूँगी, बस पोर्टल अलग अलग हुआ है, बाकी हर चीज़ सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, फिर आपका पासवर्ड या जो भी वेरिफिकेशन कोड है स्कॉलरशिप फॉर्म 2020-21 का, और उसके बाद सिंपली कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपके सामने कुछ एक अलग इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप राइट साइड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की अपना फॉर्म संशोधित करें। तो गाइज़ अभी मैं आपके हित के लिए बता दूं, भलाई के लिए, कि आज आप अभी 1-2 दिन आप रुके रहिए, जब तक सर्वर प्रॉब्लम हर एक इशू जो है वो सॉल्व आउट ना हो जाए तब तक आप कोई भी जल्दबाजी में काम ना कीजिए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक बार अगर आपने संशोधित फॉर्म पर क्लिक कर दिया, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो आपका चांस ख़त्म। आइदर आप सब उसको संशोधित करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आपका वो चांस ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे पिछले साल कई बच्चों ने यही गलतियां की थी, इसलिए उनका स्कॉलरशिप नहीं आया था। तो आप ये गलती इस बार न कीजिएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप आज शाम तक या फिर कल तक रुके रहिए, कल से अपना स्कॉलरशिप का जो करेक्शन है उसको कीजिएगा। डेट अभी 10 फरवरी तक है, साथ ही आपको 13 फरवरी के अंदर अपने कॉलेज में हार्ड कापी सबमिट कर देना है एनी हाउ, और साथ ही कॉलेज वालों का काम है कि 14 फरवरी 2021 को किसी भी कीमत पे किसी भी कंडीशन में और जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है, करेक्शन फॉर्म आया है इंस्टीट्यूट में, उसको फॉरवर्ड कर देना है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली इसी तरह कुछ अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेक कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2020-21, जैसे आप इस पर क्लिक करके देख लेंगे
मैं अभी बता दूं कि कई छात्र कल मैसेज कर हमको बताए कि अभी उनका जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है शो हो रहा है और कई छात्रों का नहीं हो रहा है। देखिए मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इशू है, तो आज शाम को उम्मीद है कि आज शाम को 4 या 6 बजे के बाद से आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस सभी छात्रों का ओपन हो जाएगा। देखिए अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, लेकिन एक अंदाज़ है कि अभी देखिए अगर आपका करेक्शन फॉर्म पोर्टल खुल गया है तो उसका यही मतलब है कि आपने स्कॉलरशिप स्टेटस देख लिया है, आपको पता चल गया है कि आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हालांकि इस बार ऐसा हुआ नहीं है, गौर कीजिएगा सभी बातों पर, इस बार ऐसा हुआ नहीं है। और साथ ही अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं पोर्टल तुरंत 24 घंटे के अंदर खोल दिया जाएगा। कल शाम को करीब 3 से 4 बजे के बीच में करेक्शन जो डेट का पोर्टल था उसको खोल दिया गया था। तो गाइज यार आपको स्कॉलरशिप भरते वक्त या करेक्शन फॉर्म भरते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपके स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ। साथ ही गाइज यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इससे क्या होगा कि यूपी स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन थ्रू पता चल जाएगा जब भी आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।